गुड इवनिंग एवरीवन, मैं नजरदार डिफेंस अकेडमी रोहतक से सचिन फिजिकल कोच रोहतक। आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में आए एक्सीडेंट बच्चों से उनका अनुभव जानते हैं, इनका अनुभव कैसा रहा और इनका अनुभव हम जानते हैं इनसे खुद। आपका शुभ नाम? श्याम। आप कहाँ पे तैयारी करते हो? सेक्टर 12। सेक्टर 12 फरीदाबाद में। और किसके पास तैयारी कर रहा हो? सेल्फ है और थोड़ी एक सीनियर कोई भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने दिन से तैयारी कर रहे हो आप? ऐसी है 7-8 महीने। 7-8 महीने से। कितना टाइमिंग आपका 1600 मीटर का? 4:26। क्या पोजीशन लगाई आपने आज? फर्स्ट पोजीशन। ये आपने, ये देखो भैया, ये बंदे ने एक्सीलेंट फिजिकल किया है। फर्स्ट नंबर गैप देके कितने मीटर गैप दिया आपने? 150 मीटर। 150 मीटर का गैप देके एक्सीलेंट फर्स्ट पोजीशन पे रनिंग करी। कौन सा ग्रुप था आपका? तीसरा ग्रुप था। ये किससे सम्मानित हुए आप? सीओ साहब से। सीओ साहब से, ठीक है। देखो भैया, इस बंदे ने 7 महीने में अपनी मेहनत को इतना बढ़ावा दिया कि बहुत अच्छे जाना, ठीक है। और रही बात इस बंदे, कितने बंदों का मैच लगा था आपका? 150। 150 बंदे का। कितने बंदे पकड़े गए थे? मेरे ग्रुप में पकड़े गए थे 40 के आसपास। 40 के आसपास। या एक वो एक्सीडेंट कितने थे? एक्सीडेंट 7 थे। 7 एक्सीडेंट थे, बाकी गुड में थे। आज की भर्ती में जो NAA की भर्ती है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी? क्या क्या डॉक्यूमेंट? एंट्री के टाइम तो जी एक आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और 2 मोबाइल और 10वीं 12वीं की मार्कशीट। एफिडेविट भी चाहिए? एफिडेविट वो जी फिजिकल होने के बाद। होने के बाद वेरीफाई करने के बाद। अच्छा अच्छा, यानी एंट्री के टाइम पे ये चीजें चाहिए मेन तो। और उसके बाद में क्या क्या करवाते हैं? मतलब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में बीम? उसके बाद जी बीम होगी, उसके बाद फिर जंप होगी। हाँ, जिग जैग होगा। जिग जैग होगा। अच्छा, उसके बाद में? उसके बाद जी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो चेस्ट नपती है जी। ठीक ठीक, वेट वगैरह। तो कल के लिए आपका क्या कुछ रहेगा? कल आपका मेडिकल है क्या? कल फिर जी अगले दिन हमारा मेडिकल है। कितने बजे बुलाते हैं? 4:30 बजे से एंट्री है। भैया दोस्तों, ये है योगेश, जो पलवल से है, फरीदाबाद ने तैयारी करी थी। इसने भी एक्सीलेंट लगा के पहला स्थान प्राप्त किया है। और क्या बोलते हैं, सीओ साहब से ये सम्मानित भी हुआ। आज हमारे एकेडमी में कम से कम 6 से 7 सील आ चुकी हैं। अगर आपने भी दी बेस्ट तैयारी करनी है तो आप सुने नजरदार डिफेंस अकेडमी रोहतक, ठीक है। 90+ स्टूडेंट का फिजिकल हो चुका है, जिसमें 57 के करीब एक्सीलेंट है और 33 के करीब गुड में फिजिकल पास हो चुके हैं। और रही बात की मेडिकल की, मेडिकल में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। अब है कि मतलब टेस्ट की तैयारी के लिए अगर आपने ज्वाइन करना तो ज़रूर आए। दी बेस्ट जैसे कि फिजिकल में रिजल्ट दिया है, ऐसा ही रिजल्ट हम टेस्ट में देंगे। हम चाहते हैं कि हर बच्चा यहाँ से लग के जाए। कारण हमारा काम क्या है, नौकरी नहीं, तो कोई फीस नहीं है, किसी की कोई फीस नहीं लेते, किसी का कोई मैटर नहीं है, किसी का कोई मैटर नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कामयाब हो गया। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। और हम चाहते हैं कि हर युवा बच्चा यहाँ बहुत ही मंडित आए, ठीक है। ओके, गुड नाइट।